दोस्तों, हम सब दुबई शेख या मुकेश अंबानी के बारे में तो थोड़ी बहुत जानते ही हैं। दोनों ही पैसों के मामले में अपने अपने देश का एक राजा है। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे बड़े कुछ अमीर आदमियों में से एक है, पर दुबई का शासक और शेख होने के नाते मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम भी यहाँ पर पीछे नहीं हटते। और ठीक इसके चलते आज हम बात करने वाले हैं दुबई प्रिंसेस शेख महरा और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के बारे में। जानेंगे दोनों की लाइफस्टाइल, सुंदरता और कुछ खूबियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात की जाए संपत्ति की, तो शेख महरा के पास $1 बिलियन की संपत्ति मौजूद है, जिसे वो अपने पापा की परंपरा की खातिर हासिल किए हैं। बात करें ईशा अंबानी की संपत्ति की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए मौजूद हैं। इनमें से कुछ पैसे भले ही वो अपने पापा के पारंपरिक अधिकार से पाए हो, पर एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईशा अंबानी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। बात की जाए कार कलेक्शन की, तो पहले शुरू करते हैं शेख महरा से। इनका फर्स्ट कार जो अभी इनके पास मौजूद है वो है ला फेरारी, जिसका प्राइस इंडियन रुपीज में 10 करोड़ रुपए है। इनके पास मैक्लारेन P1 भी मौजूद है, जिसका प्राइस इंडियन रुपी में लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके पास है इनका सबसे पसंदीदा कार रोल्स रॉयल्स फैंटम, जिसका मार्केट प्राइस है 15 करोड़ रुपए। इसके बाद इनके पापा के दिए गए हुए मैक्लारेन जी वैगन, जिसका प्राइस है 3 करोड़ रुपए, फिलहाल इनके पास मौजूद है। इसके अलावा लग्जूरियस कार बुगाटी चिरन, जिसका प्राइस लगभग 15 करोड़ रुपए, वो भी इनके पास मौजूद है। इनमें से मशहूर एक कार जो हम सब ने कई बार फोन पे देख चुके हैं, वो है गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी। जी हाँ, आपने सही सुना, गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी भी शेख महरा के पास मौजूद है। मजे की बात है, 60 करोड़ की ये गाड़ी शेख प्रिंसेस महरा के जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। दूसरी तरफ ईशा अंबानी के लिस्ट में कौन सी कार शामिल है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले उनके फर्स्ट कार के बारे में जाने, तो उनके पास लैंड रोवर इवोक्यू मौजूद है, जिसका प्राइस लगभग 2 करोड़ रूपए। इसके अलावा है पोर्शे 911 टर्बो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंच, जिसका प्राइस 10 करोड़ रूपए, एक मिनी कूपर और एक बेंटली भी उनके कार लिस्ट में शामिल है। और इन दोनों की लाइफस्टाइल सिर्फ इन गाड़ियों में सीमित नहीं है, देखा जाए तो इन दोनों की रुचि और शौक आम आदमी से थोड़ी अलग है। बात की जाए शेखा महरा की, तो इनके पूरा नाम है शेखा महरा बिनते मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 26 फरवरी 1994 में दुबई पे इनका जन्म होता है। 28 साल की ये राजकुमारी दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है इनका शौक। इनका शौक है स्विमिंग एंड ड्राइविंग करना, पर दुनिया के सबसे खतरनाक कुछ घोड़े का सवार करना इनका खतरनाक इच्छाओं में शामिल है। मजे की बात है, दुनिया के सब महंगा घोड़ा शेख महरा के पास ही मौजूद है। उनके पास एक ऐसे भी घोड़ा है जिसका प्राइस लगभग 5 करोड़ रुपए। इस घोड़े की तरह एक्सपेंसिव 11 घोड़े इनके पास मौजूद है। बताया जाता है इन सब घोड़े का देखभाल करने के लिए शेखा महरा महीने में 20 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। देखा जाए तो शेखा महरा ये सब अपने पापा के पैसों से ही करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करते। आज के दिन उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल है, जहां पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। और एक मजे की बात, उनकी खुद की एक जू भी है, जहां पर दुनिया के सबसे महंगे कुछ जानवर मौजूद हैं, जिसमें से रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, जेब्रा, जिराफ जैसे बहुत सी प्राणियां शामिल हैं। साथ ही साथ शेखा महरा दुबई की लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए कुछ स्कूल भी स्थापित किए हैं, और कुछ चैरिटी के साथ इन सब स्कूलों में अपने पर्सनल फंड से ये दान भी करते हैं। और इन सब को देख के पता चलता है कि शेखा महरा मन से बहुत अच्छे हैं और अपने देश के लिए कुछ सोचते हैं। अगर बात की जाए ईशा अंबानी की लाइफस्टाइल के बारे में, तो शुरू करते हैं उनके एक्सपेंसिव फोन से। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो भारत का सबसे सस्ता मोबाइल जियो फोन प्रोड्यूस करते हैं, पर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी 396 करोड़ की फोन यूज करते हैं। ये फोन दुनिया का सबसे महंगा फोन माने जाते हैं। इस फोन का नाम है फैलकोन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड। जी हाँ, आपने सही सुना, इस फोन में एक पिंक डायमंड भी लगाया गया है, और साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह सोने से बनाया गया है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ईशा अंबानी की फैमिली एक दिन गुजरने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं।
ईशा अंबानी की बेडरूम से लेकर बाथरूम हर जगह आधुनिक और एक्सपेंसिव चीजें मौजूद हैं, और उनके घरों में यूज किए गए हर चीज की कीमत करोड़ों के आसपास है, क्योंकि अंबानी की घर के लगभग हर चीजों में ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। बाथरूम की दीवार पर 3D स्क्रीन का यूज किया गया है। बाथरूम के साबुन और शैम्पू खास फॉरेन से लाए जाते हैं। इसके अलावा ईशा अंबानी के मेकअप किट की प्राइस लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए होते हैं। इसके साथ ही साथ ईशा अंबानी की एक हैंडबैग भी है जिसका प्राइस लगभग 35 लाख रुपए होते हैं। इन सब कुछ के बाद भी ईशा अंबानी के पास बहुत से गहने मौजूद हैं, जिसमें से कुछ गहने इंडिया के कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरीज में शामिल हैं। ये सब तो था शौक शोहरत का मामला। अब बात करते हैं दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में। पहले शुरू करते हैं शेखा मेहरा से। तो इनकी पढ़ाई पूरी हुई थी ऑक्सफोर्ड नर्सरी स्कूल से। इसके बाद इनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होते हैं ऑक्सफोर्ड एविएशन कॉलेज से। आपको बता दें शेखा मेहरा शादी भी कर चुके हैं। उनकी शादी हुई है शेख मना बिन मोहम्मद बिन रशीद से, जो कुछ जमाने पहले की दुबई शासक परिवार से आते हैं। शेखा मेहरा की पति पेशा में एक आर्मी ऑफिसर है और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर भी। ये ऑफिसर अपने बीबी के साथ दुबई में स्थित प्रिंसेस टावर के 101 फ्लोर पर रहते हैं। बात करें ईशा अंबानी की, तो उन्होंने अपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट की थी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से। इसमें मजे की बात है, ये स्कूल मुकेश अंबानी का ही है। इसके बाद ईशा अंबानी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस से। इसके बाद उन्होंने एज ए डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पे काम करने लगे, जो उनके पापा का ही कंपनी है। इसके बाद बात करें उनकी मैरिटल स्टेटस की, तो उन्होंने शादी करी है पिरामल ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद पिरामल से। ईशा अंबानी की शादी पे मुकेश अंबानी 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसलिए इस शादी को दुनिया के सबसे महंगी शादी मानी जाती है। शादी के बाद ईशा अंबानी मुंबई के एक बंगलो पे रहती है जिसका कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, इन सबको देख के आप समझ ही चुके हैं कि दुबई शेख की बेटी शेख मेहरा या मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी कोई किसी से कम नहीं। इस वीडियो को देख के पता चलता है कि दोनों ही अपने अपने लग्जूरियस लाइफ के चलते अंधाधुन पैसा उड़ाता है। किसकी लाइफस्टाइल आपको पसंद आया हमको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी कोई नई टॉपिक के साथ।